वर्षों पहले जो भूल आपने की उसे आज तक भुगत रहे हम। कहीं ऐसा ना कि इस भूल का परिणाम सदियों तक भुगता जाए। अब तो शत्रुता का केचुल निकाल फेंकिए। ये मत भूलिए कि पुरु में आधा रक्त तक्षशिला का भी वो आपका भांजा है। जेश अनुसुईया, आप तक्षशिला की बेटी ही नहीं और अब राष्ट्र की महारानी भी है। आपका प्रत्येक शब्द पौरव राष्ट्र के गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। हम पौरवों की गरिमा है कि हम भले ही अपने प्राण दे दें पर ना अपने शत्रु के सामने कभी झुकते हैं ना उनकी संख्या से भयभीत होते हैं। अब शत्रु के सामने नतमस्तक होकर न केवल हमारा बल्कि पुरु और संपूर्ण पौरव राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। जो बल से ना पा सके अंबिराज उसे छल से पाने का प्रयास कर रहे हो, परंतु पौरव राष्ट्र छल और बल दोनों का मुंह तोड़ कर देना जानता है। ये जैनम पर अधिकार का द्वंद नहीं है पौरव नरेश, ये शत्रुता के ज्वालामुखी का वो विस्फोट है जो वर्षों से मेरे हृदय में धधक रहा है। आज जीत आसान नहीं होगी। आक्रमण! आक्रमण! हस्ती के रहते उसके छोटे भाई पे प्रहार करेगा? पुरु का बड़ा भाई अभी जीवित है। हर अवसर पर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, हर अवसर पर मैंने तुम्हें छल दिया। आज एक अवसर देकर देखो पुरु, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुमने तो मेरी हिम्मत दुगनी कर दी भाई।
अपने बल पर विश्वास नहीं राम विराज, जो अपने साथियों को बुला लिया। ये मेरी दुर्बलता नहीं, तुम्हारे घटते बल का संकेत है बमनी। दृष्टि उठा कर देख, और अब सेना हर पल संख्या में कम हो रही है। अब हर पर्व पर हमारे तीन तीन योद्धा हैं। अंततः वो पल आ ही गया जब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तेरी लंबी प्रतीक्षा आज समाप्त होगी। 21 वर्ष पूर्व अनुसूया से तुम्हारे केश भंग करवाए थे, आज मैं स्वयं तुम्हारा शीश भंग करूंगा।
अद्भुत। यह अद्भुत दृश्य है आज यहां, हम सभी की दृष्टि में हम सब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं, परंतु यहां ऊपर से देखो तो सत्य कुछ और ही है। मूर्ख है हम सभी जो आपस में ही लड़ रहे हैं। हमारे शत्रु हम स्वयं बन चुके हैं और इस कर्तव्य का आनंद यह फारसी उठा रहे हैं। वर्षों पहले जो इस फारसी ने कहा था उसे आज आप सभी ने सत्य सिद्ध कर दिया। इस फारसी के लिए पौरव राष्ट्र और तक्षशिला दो मुर्गे हैं जो केवल आपस में लड़ते रहते हैं। जो जीता वो इन फारसियों के तब्दे में और जो हारा वो इनके जबड़े में। देख क्या रहे हैं महाराज अंबी, वो काम पूरा कीजिए जो इतने साल से अधूरा रह गया। अपने मुल्क की बेइज्जती का बदला लो। बड़ी सल्तनतों के तख्त लाशों के पायों पर खड़े किए जाते हैं। महाराज अंबे आक्रमण कीजिए। ये वक्त जज्बातों का नहीं है, ये असला लीजिए। बिल्कुल सही कहा डरास। ये समय फैसला लेने का ही है, क्योंकि एक महान राष्ट्र की नींव प्यार और समानता की ईंट पर टिकी होती है। हमारा भारत महान है, हमारा हृदय महान है, हमारे संस्कार महान। और यही कारण है डरायस कि हम दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करते। क्यों महाराज, सही गाना मैंने। शत्रु यदि अतिथि के रूप में आए तभी हम उसका स्वागत करते हैं। राक्षस भक्षक के रूप में आए तब भी हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। क्यों महाराज, सही कहा ना मैंने। पार वालों के सम्मान के लिए हम किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते हैं। बस एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मुझे। जब बात अपने ही देशवासियों की आती है तब वो प्रेम और सम्मानता कहां चली जाती है हमारी? तब क्या हमारा परिचय, हमारे संस्कार बदल जाते हैं? कौन है आप लोग, क्या परिचय है आप सभी का? मैं पौरव, मैं मगध, मैं तक्षशिला, मैं दस्यु। राज्यों की लड़ाई में आपने देश के अस्तित्व को ही भंग कर दिया है। देखिए अपने चारों ओर जितने शव बिखरे हैं वो किसके हैं? पौरव के, तक्षशिला के, या फिर उन भारतीयों के जो आपके अपने हैं? जिनके नियम एक है, जिनकी संस्कृति एक है, जिनके संस्कार एक है, और जो एक ही धरती से उपजा अन्न खाते हैं। अब गिनिए,
इनमें से कितने वो फारसी हैं जिन्होंने तक्षशिला में बैठकर पौरव राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। हर पौरवों का मित्र बनकर हमारी पीठ पर प्रहार कर बैठा। गिनिए आप सब, कोई नहीं प्रतिशोध की ज्वाला सबसे पहले स्वयं को जलाती है, और देखिए जला दिया सब कुछ। एक राजा का धर्म जला दिया, एक भाई का प्रेम जला दिया, एक पिता होने का दायित्व जला दिया, और अब आप जलाने वाले हैं अपने ही राज्य का अस्तित्व, अपने प्रतिशोध के लिए। आप अपने राष्ट्र के अस्तित्व को जलाने चले थे महाराज, इसकी ज्वाला में ये फारसी अपनी लाभ की रोटियां सेकेंगे। एक देश की शक्ति एक बंद मुट्ठी में होती है। मुट्ठी बंद तो लाख की, खुल गई तो खाक की। अपने प्रतिशोध के लिए आपने अपने देश की शक्ति को ही राख में मिला दिया महाराज। अद्भुत, अद्भुत। कीजिए अपना प्रतिशोध पूरा, परंतु मैं अपनी अंतिम सांस तक उस स्वप्न को पूरा करने का प्रयास करता रहूंगा जो मेरी मां ने देखा है। बुझाइए प्रतिशोध की आग, परंतु मैं अखंड भारत नाम की लौ को जलाए रखूंगा। मुझे द्रोही समझे या विद्रोही, दस्यु समझे या राजकुमार, मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं। आप राजा होने का कर्तव्य निभाइए, और मैं एक रक्षक होने का वचन निभाता हूं। सत्य कहा था उस फारसी ने, सुबह का बुला शाम को घर देर से आए तो विनाश की रात उसे घेरी लेती है। अब भी देर नहीं हुई है भारतीयों, अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी निकालकर फेंक दो। पौरव, तक्षशिला, मगध, दस्यु, ये सब बुलाकर आज हम सब एक हो जाते हैं और करते हैं इन फारसियों पर प्रहार, निकालते हैं इन्हें अपने देश से बाहर।